मुख्यमंत्री शिवराज जी, आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मेले लगवा रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवा रोजगार के नाम पर कहीं लाठियां तो कहीं गालियां खाने को मजबूर हैं। मामला सिंगरौली का है, जहां रोजगार मेले में थानेदार ने रोजगार की तलाश में आए युवाओं को भद्दी गालियां दी और अपशब्द कहे। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला थानेदार के इस अभद्र व्यवहार को छुपाने में लगा रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या रोजगार मांगना प्रदेश में पाप हो गया है? मध्य प्रदेश में अब रोजगार मांगना एक गुनाह हो गया है। सिंगरौली से बेहद शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। रोजगार मेले में आए युवाओं को भद्दी गालियां देते ये कानून के रक्षक नवानगर के थानेदार हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लाए गए रोजगार मेले में रोजगार मिलने की जगह बेरोजगार युवाओं को थानेदार की गालियां और मार मिली। नवानगर TI वर्दी की गर्मी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे और गालियां लगातार बरसाते रहे। दूसरों को अनुशासन और कानून के पाठ पढ़ाने वाले नवानगर थानेदार उमेश प्रताप सिंह द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, जो न केवल कानूनी दृष्टि से अपराध है बल्कि सामाजिक रूप से भी सही नहीं है। इस शर्मनाक घटना के बाद दोषी थानेदार के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उल्टा जिले के अधिकारी ऐसे संवेदनशील मामले में भी पर्दा डाल रहे हैं और अधिकारियों को गुमराह कर दोषी थानेदार को बचाने में जुटे हुए हैं। पर पहुंच गई है तो हमारे जो भी इच्छुक आवेदन करता है सभी बारी बारी से अपना कोविड का पालन करते हुए संपर्क करें और अपने आवेदन को प्रस्तुत करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।